ग्राम पंचायत टाटीदीरी से बीडीसी पद उम्मीदवार सूर्या देवी महिलाओं के साथ पंचायत का भ्रमण करते जीत की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत टाटीदीरी से महिला प्रत्याशी सूर्या देवी सभी महिलाओं के साथ अपने पंचायत के लोगों से यही कहते हुए चली आ रही थी, इस बार हमें आप लोग अपने पंचायत से विजयी बनाकर विकास करने का मौका दे। हमारे पंचायत में विकास की बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मैं पंचायत के सहयोग से पंचायत के कहने पर यह चुनाव लड़ रही हूं। वहीं पर उनके पति संजय यादव ने बताया, मेरी पत्नी शिक्षित और सुशील महिला है, लोगों के दिलों का रहनुमा, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी है, इसलिए मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूं ताकि अपनी जीत हासिल कर पंचायत का चौमुखी विकास करो। झारखंड जिला से गढ़वा से सचिन कुमार की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले अपना परिचय और पद बताएं। मैं संजय यादव, ग्राम पंचायत टाटीदीरी। कौन सा पद से चुनाव आप लड़ रहे हैं या आपकी पत्नी? बीडीसी। आप या आपकी घर में कोई? नहीं, मेरी पत्नी। पत्नी। सर, ये बताइए कि आपका चुनाव लड़ने या लड़वाने का कौन सा मुद्दा है? सबसे पहला जो है टाटीदीरी पंचायत पश्चिमी भाग का विकास करने हेतु। जी सर, ये बताएं कि अगर से पंचायत के लोग आपको या आपके पत्नी को बीडीसी पद के उम्मीदवार घोषित कर उन्हें जीत हासिल कराते हैं तो सबसे पहले कौन सा विकास करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा की ओर देखेंगे, उसके बाद सड़क की व्यवस्था को देखेंगे, पेयजल की व्यवस्था देखेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से आने वाले 24 तारीख को वोटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, जो भी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड से वंचित है उन्हें मैं दिलवाने का काम करूंगा। अपना चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या बताएं। चुनाव चिन्ह मोदी का हार छाप, क्रम संख्या 4। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, क्या संदेश देंगे? महिलाओं को आने वाला समय में सभी को शिक्षित करने की व्यवस्था। आपके बातों को कितना परसेंट सही माना जाएगा? वो तो जनता ही फैसला करेंगे। नहीं, आप बताएं सर कि कितना, जैसे जो भी वादा आप कर रहे हैं जनता से कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो कितना परसेंट सही मान लिया जाए आपकी बात? 100% सही। धन्यवाद सर।